यह है पाकिस्तान का नंबर वन वेब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। विजन न्यूज़ की अब तक की ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं हूँ रूज फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं गुलाब बलोच। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अमेरिका के सीनियर डिफेंस ऑफिसर की पाक बहरिया के सरबराह से नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक अमरीका के सीनियर डिफेंस ऑफिसर ब्रिगेडियर जनरल एडम और सिल्वर्स की पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मामले खसूसी बरा इतलात फिरदौस आशिकवान कहती हैं कि राजकुमारी जी आंखें खोलें, ये नया पाकिस्तान है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में फिरदौस आशिकवान ने कहा कि यहाँ के लोग जमीर की आवाज़ पर मौरूसी गुलामाना सियासत को मुस्तरद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छांगा मांगा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज चलाने वाले आज किस मुंह से जमीर की आवाज़ पर लबैक कहने वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। कौमी असम्बली में कायद हज़्ब इख्तलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि 14 सेनेटर्स ने जमीर फरोशी की और तहरीक को नाकाम बनाया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सेनेटर्स का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें पार्टी लाइन से इनहराफ करने वाले सेनेटर्स के खिलाफ सख्त मौकफ अपनाने का फैसला किया गया। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक अदम एतमाद की नाकामी पर इजहार तशवीश और नाकामी की वजूहात पर गौर किया गया। कराची की सड़कों पर ड्यूटी देने वाले खूबरू ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर वकार अली संजवानी अपने स्टाइल और खूबसूरती से लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी इनके चर्चे होने लगे। हुआ कुछ यूं कि इनकी गुड लुक्स की वजह से किसी शहरी ने इनकी तस्वीर ले ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। बस फिर क्या था कि इनकी ये तस्वीर जो देखता गया लाइक और शेयर किए बगैर ना रह पाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी कराची ने टीवी एंकर मुरीद अब्बास समेत दो अफराद के कत्ल के केस में चालान जमा कराने में ताखीर पर पुलिस पर इजहार बरहमी करते हुए इसे 7 दिन के अंदर चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। एंकर मुरीद अब्बास समेत दो अफराद के कत्ल केस की समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में हुई। दौरान समाअत पुलिस ने केस का चालान जमा कराने के लिए अदालत से मजीद मोहलत तलब। रूस के चिड़ियाघर में दो नन्हे पांडों की सालगिरह धूमधाम से मनाई गई। पांडों की सालगिरह के मौके पर चिड़ियाघर के इंतजामिया की जानिब से न सिर्फ चिड़ियाघर को खूबसूरती से सजाया गया, बल्कि पांडों के लिए खसूसी केक और डब्बों में छुपे तोहफे भी पेश किए गए। सालगिरह के मौके पर बर्थडे केक से लुत्फानंदोज होते तोहफे हासिल करने की कोशिश में लड़ते झगड़ते और शरारते करते हुए पांडों की दिलचस्प हरकतों ने देखने वालों को खूब महसूस किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए विजन न्यूज़।